जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। और सॉरी इसलिए कि क्योंकि मैं डेली ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने इतना सारा काम दे रखा है मुझे कि मैं अब ये सोच रही हूँ कि अगस्त तक वो कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट वीक तक ही, तभी उनके जो फेस्टिवल्स हैं या उन्होंने जो जो बता रखा है वो मुझे करना है। और उसकी शुरुआत उन्होंने इस मंथ में कर रखी है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप और व्यस्तता के कारण ही मेरी ना थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है। मतलब दो दिन से तो मेरी ना ये पूरा इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। आप कहेंगे इतना सारा काम कैसे, यकीन मानिएगा इतना सारा काम है ना वो आपको दिखेगा, क्योंकि मैं क्या खैर जो क्योंकि इतनी सारी लीलाएं मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, पर मैं उसमें से जो चुनिंदा है जो मैं जल्दी बता सकती हूँ बहुत नॉर्मली, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए लीला की तरफ चलते हैं। और ये है आज से 3 से 4 दिन पहले के बाद कि मेरी जो फ्रेंड है उसने एक चित्रपट बनाया है बांके बिहारी जी का, और वो चित्रपट उन्होंने दोपहर तक बना दिया था, और उसके बाद उनको हमने एक जगह पे रख दिया। मतलब कोई स्थापित नहीं किया, बस जस्ट चित्र बनाया, चित्र बना के रख दिया। उसके बाद क्या होता है वो आप सुनिए। उसके बाद दोपहर और थक चुके थे तो दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो गए, तो तभी एक स्वप्न आता है कि 7 लड्डू गोपाल और 7 में राधा रानी भी हैं, और मतलब 7 हैं सभी टोटल मिला के, और वो लोग भोजन पे भोजन मांग रहे हैं, ये दे दो वो दे दो ये दे दो वो दे दो। तो मैं अचानक से उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनका समय हो गया है पानी पीने का, 3:30 बजे हम लोग पानी पिलाते हैं उनको, तो 3:30 बजे मैं उठ जाती हूँ और जाके फिर उनके लिए खाना बनाती हूँ। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि ये 7 लड्डू गोपाल कैसे हो गए, क्योंकि मेरे तो 5 है टोटल मिला के, मतलब 4 लड्डू गोपाल और 1 राधा रानी। तो मुझे लगा कि मम्मी के लड्डू गोपाल होंगे, फिर मुझे लगा हमारे ऊपर भी एक दीदी रहती हैं उनके लड्डू गोपाल भी आते हैं, मतलब उनको भी वो भी भोग लगाते हैं मम्मी के लड्डू भी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है बहुत दिनों के बाद वो आए हैं, तो शायद उनका मन होगा तो शायद वो आ जाएंगे, इसीलिए मुझे 7 जने दिख गए हैं और वो भोजन मांग रहे हैं। खैर मैंने दोपहर का भोजन बनाया और बच्चों को खिलाया, मतलब दोपहर का नहीं कहेंगे आप, ये इवनिंग स्नैक्स बोल सकते हैं। तो 4:30 बजे 5 बजे तक मैंने उन सबके लिए भोजन बनाया, 5 के लिए। लेकिन जो चित्रपट बनाया था, अचानक से मैं खाना बना रही थी, सब बच्चों ने खाना खा लिया था, मैंने बेटी को बोला भोग लगाओ, ये दोनों मेरी फ्रेंड और मेरी बेटी उनको भोग लगा रही है। अचानक से मुझे ध्यान आया कि माँ के बिहारी जी को भी भोग लगाओ, पता नहीं अंदर से एक व्याकुलता जागी और मुझे ये समझ आया कि वो भोजन मांग रहे हैं। तब जाके फिर अचानक जब भूख लगा लिया है तब मुझे एहसास हुआ कि बांके बिहारी जी मेरी राधा रानी और बांके बिहारी जी यानी 5 मेरे और ये 2, तो टोटल हो गए 7, यानी ये 7 जन मुझसे भोजन मांग रहे थे। चलिए ये बात हो जाती है, उस दिन का दिन चला जाता है शाम तक, और अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि उनको हमने पूजा में भी बिठाया। मैं आपको भी चित्रपट दिखाऊँगी और आगे की बात भी बताऊँगी। अब दूसरे दिन की बात है, सुबह वही 5:45 बजे करीब, मतलब जागृत अवस्था ही होती, ये चित्रपट बनाया गया और इस चित्रपट को हमने टेबल पे रख दिया कि दूसरे दिन इनके लिए कुछ करते हैं व्यवस्था। तो दूसरा दिन जो है सुबह मॉर्निंग में 5:45 बजे जो बात हुई, जो स्वप्न आया वो आप देखिए क्या था। इसी बिस्तर पे, इस पे हमारे लड्डू गोपाल जो हैं रात को शयन करते हैं, तो हमने इन्हीं पे इनको साइड में बिठा दिया। अब हमारा कन्हैया जागा, जो दिखाया वो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा कन्हैया जागता है और वो इन चित्रपट को देखता है और चित्रपट को उठा के टेबल पे लेके जाते हैं, और टेबल पे ले जाके जो उनकी वार्तालाप हो रही है वो आप सुनिए। मेरा नटखट कन्हैया ये उनके चित्रपट से कहता है कि तू यहाँ पे क्यों आया है, जा यहाँ से चला जा, क्योंकि अब तू हमारा सारा भोग खा जाएगा, क्योंकि तू तो सारा भोग खा लेता है, मेरे हिस्से का भी खा जाएगा। कन्हैया की बात सुनकर बांके बिहारी जी मुस्कुराने लगते हैं, तभी अंदर से भागकर मैं आती हूँ और मैं बांके बिहारी जी से माफ़ी मांगती हूँ और बोलती हूँ कि मेरा बच्चा थोड़ा नटखट है तो आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। तो तभी बांके बिहारी जी की जो ये चित्रपट है ये स्वयं से उड़ता है और यहाँ मंदिर में आके ये बैठ जाते हैं, और तब हमें पता चलता है कि इन्हें यहाँ विराज होना है, इनको यहाँ पे स्थापित कर दिया है।
अब इसमें मैं क्या कहूँ, ये बहुत ही सुंदर लीला है और बहुत ही चीज़ इसमें कान्हा जी ने मुझे बताई है, क्योंकि देखिए पूर्ण रूप से लीला को बता पाना भी थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट फास्ट मुझे बताना पड़ रहा है। मैंने बताया भी है, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताती रहूँगी, क्योंकि हमारा ये जो मंदिर है ये थोड़ा छोटा है।